लास्ट है इसमें टोटल एनर्जी ऑफ अ सेटेलाइट। जब एक सेटेलाइट घूम रही है तो उसके पास दो एनर्जीज हैं, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक भी है। पोटेंशियल कितनी है? माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। और काइनेटिक कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास ऑफ सेटेलाइट। वी का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सेटेलाइट, हमने निकाल रखी है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, पुट करो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये पोटेंशियल है, सिंप्लीफाई करके ये काइनेटिक है, ऐड करके ये टोटल है। ठीक, न्यूमेरिकल में काम आएगी। इंपॉर्टेंट ये है, शॉर्टकट ये है, शायद केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसे करते हैं। ये पोटेंशियल है, जो टोटल एनर्जी है और जो पोटेंशियल है उसमें दो का फर्क है, इसको दो से डिवाइड कर दो टोटल आ जाएगी। याद करने का तरीका देखो, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दो का फर्क है। फिर काइनेटिक एनर्जी है, ये रही सिंप्लीफाई करके काइनेटिक ये है। काइनेटिक और टोटल में तो सिर्फ माइनस साइन का ही फर्क है। तो आपने सुना होगा, शायद केमिस्ट्री में कराया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, माइनस साइन का फर्क होता है। क्या हुआ है? ठीक है, और जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल डिवाइड बाई टू होती है, ये भी किया हुआ है। पर नहीं किया तो यहां से कर लो, एक ही बात है। फॉर्मूला याद करने इजी हो जाएंगे आपके लिए।